और हमारी नई यात्रा के लिए हम आज प्रस्थान कर रहे हैं। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में और नीचे बहती प्यारी नदी। तो हम मेनपुरी बदायूं हाईवे पे हैं। तो HP के एक पेट्रोल पंप का उद्घाटन हो रहा है। सुबह जब घर से निकले थे तो मौसम काफ़ी ठंडा था, पर यहाँ पे अब काफ़ी गर्मी है। तो हम यहाँ गंगा नदी में अब स्नान करेंगे। तो ग्वालियर से हम पूरा एक दिन में यूपी पार करके यहाँ उत्तराखंड में आ गए और ये रास्ता जाता है सीधे नेपाल। तो यहाँ पे टनकपुर उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ से थोड़ा सा पहले एक होटल है, हम आज यहाँ इस होटल में रुकेंगे और थोड़ी देर बाद फ्रेश होके वहाँ पे जाएंगे नेपाल बॉर्डर पर। तो काफ़ी अच्छा यहाँ माहौल है, काफ़ी अच्छा मार्केट है यहाँ और रोड ठीक ठाक ही है, काम चला हुआ है। आज काफ़ी लंबी राइड करी है कि नेपाल में मित्र देश है हमारा, हिंदू देश है, तो वहाँ पे आना जाना फ्री है भाई, जब चाहो वो उठा के चले जाओ। तो हम जैसे घूमने वाले लोग तो जब भी जाके चले आते हैं, तो वहाँ की गाड़ियाँ भी अपन यहाँ पे ला सकते हैं। लगभग 5-10 किलोमीटर के एरिया में अपन गाड़ियाँ अपनी वहाँ लेके जा सकते हैं बिना परमिट के, और वो वाली भी यहाँ पे बिना परमिट के। और जब ज़्यादा अंदर जाना हो तो जैसे आप देखिए रेड नंबर प्लेट है, ये सब नेपाल की गाड़ी है, ये भी है, ये देखिए सब ये नेपाली गाड़ियाँ यहाँ पर सुधरने के लिए आती है। तो यहाँ पे आराम से घूम फिर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल में दिख रही है नेहरू गेट, तो हो सकता है कई वर्षों पहले यहाँ पे ट्रेन भी चलती हो जो नेपाल से यहाँ भारत की ओर आती हो, भारत से नेपाल जाती हो, पर हाल फिलहाल तो क्षतिग्रस्त है। ये खूबसूरत शारदा नदी बहती है और ब्रिज के इस तरफ हम आ गए तो यहाँ पर नेपाल है। तो नेपाल में काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी बढ़िया मौसम है। तो वहाँ नेपाल से वापस हम भारत में आ गए। तो यहाँ पर एक इंजन रखा हुआ है, इंजन पे लिखा है कि ब्रिटिश काल में 1920 से 1928 के मध्य में इस इंजन का इस्तेमाल इस ब्रिज को बनाने के लिए और आर पार जाने के लिए, मतलब नेपाल भारत आने के लिए इसका निर्माण किया गया था। काफ़ी अच्छा यहाँ मौसम है, बढ़िया। तो ये हमारा रूम है, इसमें हम रात को सोए और काफ़ी अच्छा ये होटल है, रूम सिर्फ 500 रुपीज में ही मिल गया। यह काफ़ी अच्छा वास्तव में ये होटल काफ़ी अच्छा है, रिसेप्शन भी है। और हम जो है सुबह अभी तकरीबन 5:30 या 5:45 बजे, वैसे हम इतना जल्दी निकलते नहीं हैं अंधेरे में, पर एक्चुअली आज डे 2 है तो हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ है। हमें पता चला कि यहाँ पे एक शक्तिपीठ में से एक मंदिर है, वहाँ पे हम जाएंगे। तो हम सुबह डे 2 जल्दी निकले खटीमा, माफ कीजिएगा, टनकपुर हमारे होटल से। तो ये रास्ता जाता है पिथौरागढ़ होते हुए आप नैनीताल भी जा सकते हैं, पर रास्ते में हमें पता चला माँ पूर्णागिरी का मंदिर है जो शक्तिपीठों में से एक है, तो यहाँ पर भी हम जरूर जाएंगे और दर्शन करेंगे। उसके बाद वापस हम यहीं आएंगे और इसी रास्ते से होते हुए पिथौरागढ़ होते हुए धालचूला जाएंगे। यहाँ काफ़ी अच्छा मौसम है, हर तरफ ऊँचे ऊँचे पहाड़ है। तो मंदिर जाने के लिए यहाँ भीड़ है क्योंकि नौ देवी है, पार्किंग में वहाँ गाड़ी लगा दी गई है, 50 रुपये दोस्त पार्किंग का, यार कोई बात नहीं। फिर यहाँ से टैक्सी में जाना पड़ेगा 5-6 किलोमीटर, फिर वहाँ से 4-5 किलोमीटर चढ़ाई, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ मंदिर के लिए अब एंट्री कर रहे हैं, देखो क्या होता है। भीड़ तो काफ़ी दिख रही है, लग रहा है आज सारा दिन हमको यहीं बीत जाएगा। आज हमको धालचूला पहुँचना था, पर अब देखते हैं जैसी भगवान की इच्छा। तो हमारी बाइक पार्किंग में ला के यहाँ शेयरिंग टैक्सी में,
मजा ले रहे हैं क्योंकि नौ देवी है, वजह से गाड़ियों की ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, इसलिए गाड़ियों को पार्किंग नहीं लगवा के या जो प्राइवेट गाड़ियाँ जो टैक्सी है जो यही पहाड़ों की उन्हीं से यात्रा को पूरा करवा रहे हैं। जय माता दी। तो टैक्सी से उतर के बैग एक दुकान पे हमने रख दिया और वहीं से प्रसाद लिया, और प्रसाद भले कम लिया पर क्योंकि काफ़ी लंबी यात्रा करनी है तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद ही लेते रहो और आगे बढ़ते रहो। और अभी 2.5-3 किलोमीटर की ट्रैकिंग भी करनी है। एक्चुअली ट्रैकिंग की कुछ अपेक्षा नहीं थी पर जो हुआ अच्छा ही हुआ, अच्छा ही होता है। तो चले जा रहे हैं मंदिर पूर्णागिरी शक्तिपीठ में से जय माता दी। तो ये कंदमूल होता है, ये एक फल होता है इसको खाते हैं, और ये एक फूल होता है पानी में डालो तो ये हरा हो जाता है। और ये क्या चीज़ है? ये गैस के लिए है। गैस के लिए है। तो यहाँ कई सारी दुकानें हैं और खाने पीने रहने की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जगह जगह धर्मशाला जैसे बने हुए हैं। तो ये आखिरी वो जगह जहाँ तक गाड़ियाँ आ पाती हैं, और फिर यहाँ से जो है पैदल ही ट्रैकिंग करनी है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर माहौल है। तो यहाँ 2-2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, सब पूरा ये ऐसे ही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियों पे ही ये विश्राम करने की जगह, यहाँ पर रात को रुक सकते हैं। यहाँ बाथरूम भी है तो नहाने की भी कोई समस्या नहीं है। तो वैसे ही पूरी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के हमको ऊपर पहुँचना है मंदिर पूर्णागिरी शक्तिपीठ। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला ये मंदिर को रास्ता, और यहाँ से नीचे भी उतर के जा सकते हैं। तो जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। तो ये 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के ये मंदिर के एंट्रेंस गेट पर आ गए। दोनों तरफ प्रसाद की व्यवस्था है, ठहरने की बहुत बेहतरीन व्यवस्था है, और चढ़ाई ठीक है, एवरेज है। जय माता दी। यस यस यस। तो बस तकरीबन मंदिर पहुंच ही गए। मुख्य मंदिर है पूर्णागिरी शक्तिपीठ, माँ सती की नाभि यहाँ पर गिरी थी ऐसा बताते हैं। और ये काफ़ी सुंदर यहाँ के नज़ारे, और नदी देख रहे हो, नदी के दाईं तरफ भारत है, ये शारदा नदी है, और नदी के बाईं तरफ नेपाल है, बिल्कुल नेपाल से सटा यह मंदिर है। काफ़ी अच्छा पवित्र तीर्थ क्षेत्र पूर्णागिरी माता शक्तिपीठ का मंदिर। तो यहाँ पूर्णागिरी शक्तिपीठ में काफ़ी सुंदर दर्शन हुए, और काफ़ी हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि नौ देवी के दिन हमको आसानी से दर्शन मिल गए, जहाँ भीड़ नहीं मिली। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके, और जो भी है काफ़ी सुंदर, और जहाँ कलावा भी बनवाने को। रास्ते में खाने की कोई कमी नहीं है, और ठहरने के लिए बढ़िया गद्दे हैं, थके आओ तो आराम करो। जगह जगह यहाँ पे जी हाँ ऐसे ठहरने के लिए बने हुए हैं, और नहाने के लिए बाथरूम भी है, फ्रेश होने के लिए सारी व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी यहाँ पर मौजूद हैं पूर्णागिरी मंदिर पे। मंदिर के नीचे यहाँ भैरव बाबा जी का भी मंदिर बना हुआ है, यहाँ भी दर्शन करके हम ऊपर निकलेंगे। और यहाँ काफ़ी विशाल भगवान शिव जी की एक मूर्ति बनी हुई है, और ये अब एंट्री पॉइंट है। यहाँ से हमने
हमारी यात्रा अच्छा भी करी थी था। और यहाँ से माँ पूर्णागिरी के लिए चलते हैं। तो तकरीबन 25 मिनट में हम ऊपर से 3 किलोमीटर नीचे उतर के दौड़ लगाते हुए आए और संपूर्ण हमारी पूर्णागिरी माता शक्तिपीठ की यात्रा पूरी हुई। अब हम यहाँ से पिथौरागढ़ होते हुए धारचूला आज हम पहुँचेंगे जय माता दी। तो यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, भंडारे की भी अद्भुत व्यवस्था है। यहाँ देख सकते हैं बढ़िया चावल छोले मिल रहे हैं और हमने भी खाया, काफ़ी अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम भारत में मौजूद हैं और यहाँ नीचे बहती हुई शारदा नदी और नदी के पार वो जो आप देख रहे हैं जमीन वो नेपाल है। जी हाँ, नेपाल के वो गांव घर यहाँ से साफ नज़र आते हैं। और शारदा नदी जो है भारत और नेपाल की सीमा को विभाजित करती है। और यह रास्ता अभी हम आ रहे हैं पूर्णागिरी मंदिर, क्योंकि काफ़ी ऊपर वह पहाड़ पर मौजूद था शक्तिपीठ में से एक। और यह पूरा क्षेत्र जो है जंगल का क्षेत्र है और काफ़ी अच्छे यहाँ के नज़ारे दृश्य भारत नेपाल बॉर्डर। तो आप देख सकते हैं कि पूरे पहाड़ जो है रास्तों में आ गए हैं और ओ माय गॉड वाटर क्रॉसिंग। तो पानी में चलानी है, काफ़ी अच्छा अनुभव। यह एक काफ़ी सुंदर खूबसूरत नज़ारा मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। काफ़ी वहाँ ऊंचे पहाड़ और जो हमारी बाइक खड़ी हुई है, एक तो भाई इसके साथ सेल्फी बनती है, बाइक के साथ फोटो भी लेंगे। और यहाँ पे बढ़िया ऊपर पहाड़ से पानी बह के आ रहा है और पानी साफ ही होगा क्योंकि ऊपर बर्फ का पानी ही पिघल के आता है। जी हाँ, तो काफ़ी ये देखिए बिल्कुल साफ पानी, बिल्कुल साफ। जी हाँ, तो इसको पी भी सकते हैं। तो काफ़ी साफ सुथरा जल पानी यहाँ से बह के आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर।